नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो रोज की तरह आपको बताना क्या है, करंट अफेयर्स तो रोज ही आता है, तो आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि एक दिन की छुट्टी लेनी है मुझे, और प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से लेनी है, और नेक्स्ट वीक कुछ बड़ा प्लान होने वाला है, पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है। तो एक दिन की छुट्टी ले रहा हूं मैं, इस वजह से आपका जो अगला करंट अफेयर्स है वो मंगलवार को आएगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपका जो भी न्यूज है वो पूरा का पूरा कवर होगा, मतलब एक एक चीज आपकी कवर की जाएगी। ठीक, चलिए। तो लिखा है किसने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया। सबसे बड़ी समस्या तो जो मेरे साथ हुई, मतलब कि इसको लेकर, इस न्यूज को लेकर, जब भी मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, काफी साल पहले, क्या मतलब अभी तो बदला गया है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस है ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं क्या यहाँ दो दो बार अनाउंस कर दी, तो दोनों अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसी भी भाषा में लिखे गए नॉवेल के लिए दिया जा सकता है, जबकि जो बुकर प्राइज है वो लेखक का जो पूरा बॉडी रहा, मतलब कि जो उसने पूरा लेखन किया है अभी तक, उसके लिए दिया जाता है। बुकर प्राइज अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के लिए दिया जाता है, जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जो इंटरनेशनल लगा दोगे इसमें, इंटरनेशनल का मतलब, बुकर प्राइज वैसे तो इंग्लैंड की सत्ता है, मतलब कि यूके द्वारा दिया जाता है, यूके सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी यूके सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन साहित्य में और लोगों को प्रमोट करने के लिए, लिटरेसी में और लोगों को प्रमोट करने के लिए और भाषाओं को प्रमोट करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये किसी भी किसी भी भाषा के नॉवल को दिया जाता है, बट उसका अनुवाद अंग्रेजी में अभी हाल ही में हो गया हो। शुरू करते हैं, तो जानकारी यहीं से शुरू करेंगे। इस बार जो पुरस्कार दिया गया है वो एक 29 वर्षीय है आपकी मैरी के लुकास रेजनेवेल्ड, नाम बड़ा कठिन है इनका, मैरी के लुकास रेजनेवेल्ड ने अपने पहले ही उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए जीत लिया है। ये डच लेखक है, डच में लिखा गया है इसे, और 2020 पुरस्कार इन्होंने जीता है। इसके साथ ही रिजने वर्ल्ड 29 साल की उम्र में यह पुरस्कार जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। यह किताब नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की है, जिसमें एक भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बहन ये सोचती है कि उसकी मृत्यु क्यों हो गई, उसकी जगह मेरी हो जाती, तो इसी में यह ताना बाना इसका बुला गया है। लेकिन इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है वो मिशेल हचिसन द्वारा किया गया है, तो जो पुरस्कार की राशि होगी यानी कि 50,000 pounds sterling, जिसे $66,000 भी आप कह सकते हो, दोनों लोगों पर बराबर बराबर बांटी जाएगी। तो हाल फिलहाल नीदरलैंड या डच लेखक मैरी के लुकास रेजनेवेल्ड ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। बुकर प्राइज 2020 की अभी घोषणा नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। पिछले साल का बात करें तो पिछले साल जो बुकर प्राइज गया था वो गया था दो लोगों को, बहुत साल बाद ये दो लोगों को दिया गया था, मार्गरेट एटवुड टेस्टामेंट के लिए, और गर्ल वुमेन एंड अदर, ये बर्नार्डिन एवरिस्टो की पुस्तक थी। तो अब तक सबसे अधिक उम्र में जो पुरस्कार पाने वाली थी वो रही थी मार्गरेट एटवुड, और एक पहली अश्वेत महिला बनी थी बर्नार्डिन एवरिस्टो, जिनको गर्ल वुमेन अदर के लिए पुरस्कार दिया गया था। जबकि इस बार का इंटरनेशनल यानी कि 2019 का जो इंटरनेशनल पुरस्कार था बुकर वाला, वो जोखा अलर्थी को दिया गया था, और साथ साथ उनकी जो अनुवादक रही या ट्रांसलेटर रही मैरिलिन बूथ को ये पुरस्कार दिया गया, उनको ये पुरस्कार द सेलेशियल बॉडी के लिए दिया गया था। जोखा अलहर्ती ये पहली ओमान की लेखिका है जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगली जानकारी तब चले तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना में हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में शामिल करने की घोषणा की है। राफेल आ गया है, हमें पता है कि अभी जुलाई में आया था वो, 5 विमान हमारे पास आए थे, एक पहले से हमारे पास आ चुका है, तो वर्तमान समय में 6 विमान जो है वो राफेल भारत के पास है, जिसमें से जो 4 है वो 1-seater है, दो है वो double-seater है। तो इनको अभी हाल ही में फ्रांस से लाया गया था, 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये भारत पहुंचे थे, सऊदी अरब में थोड़ी देर के लिए रुके थे, फिर उसके बाद चल दिए थे, और अब इनको औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ने वाली है। यह समारोह रूस के रक्षा मंत्री की वापसी के बाद किया जाएगा, यानी कि रूस से जब रक्षा मंत्री अभी 4 से 6 सितंबर के दौरान वो रूस जाएंगे, वो रूस क्यों जाने वाले हैं, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है, तो वहां पर जाएंगे और शामिल होकर जब वापस आएंगे तो ये समारोह किया जाएगा।
फिलहाल इसमें फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को आमंत्रित किया गया है। पॉइंट टू में रिमेंबर, राफेल आया 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। कहां से शामिल हो रहा है? हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे से। और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अभी जो पायलट थे उनको अभी हाल ही में दसाल्ट ने वहां पर उनको ट्रेनिंग दी थी ताकि ये विमान उड़ा सके। और देश में 5 राफेल पहुंचे, उनमें से 3 एक सीट वाले हैं और 2 दो सीट वाले हैं। और राफेल में हवा से हवा, हवा से जमीन में मार करने की क्षमता है। और वर्तमान समय में आप इसे कहें तो ये सबसे उन्नत विमान है जो भारत के पास पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील तकनीक से लैस है राफेल। राफेल में सबसे आधुनिक हवा से हवा मार करने वाली मीटियोर मिसाइल लगी हुई है। मीटियोर मिसाइल हमारे पास जाने कभी आ गई थी। 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जा सकता है, जो अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप युद्धक सामग्री इसमें ले जा सकते हैं। 1 मिनट में 60,000 फुट तक की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर कोई मिसाइल इसका पीछा कर रही होगी तो इसे पकड़ने में बहुत तकलीफ उसे महसूस होगी। राफेल हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से भी लेस है। और अधिकतम 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि 24,500 किलोग्राम तक का भार लादेगा तब यह 2,222 किलोमीटर की रफ्तार तक जा सकता है। 17,000 किलोग्राम फ्यूल क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे फ्यूल क्षमता है कि ये हवा में ही इसको रिचार्ज किया जा सकता है, मतलब इसमें हवा में ही फ्यूलिंग की जा सकती है। राफेल परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है, भगवान न करे कि कभी इसकी जरूरत हो। और राफेल में इजराइल का हेलमेट माउंट डिस्प्ले लगा हुआ है जो राडार मॉनिटर से ग्लैस है। यानी कि अगर कोई राडार की पकड़ में ये विमान आएगा तो पायलट को सूचित कर दिया जाएगा कि बेटा तुमको पकड़ लिया गया है। आगे चले तो आरबी सीरीज के ये राफेल विमान होंगे। राफेल के ट्रेनर विमानों जिनके टेल नंबर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, जो कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख है, उनके नाम पर, उनके सम्मान में इसको रखा जाएगा, उसमें आरबी सीरीज लिखा जाएगा। भदौरिया ने ही 36 लड़ाकू राफेल विमानों की डील कराई है। और भारत ने 2016 में फ्रांस से इन विमानों का सौदा 60,000 करोड़ रुपए में किया था। यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। मौजूदा वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने, तब उपसेना प्रमुख थे और उन्होंने इस सौदे में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। तो जो राफेल होंगे उन पे आरबी आपको लिखाई देगा। आपको समझना है आरबी जो है वो राकेश सिंह भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया के नाम पर है। अगली जानकारी है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक की गई है। वीडियो बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान चीन ने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया है कि वे डिजिटल परिवर्तन, विशेष रूप से 5G, AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन और उनकी नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए आपस में सहयोग करें। कहने का मतलब यह है कि अब हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो होगी 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के जहां अपने फायदे हैं वहीं उसके नुकसान भी हैं। पहली बात तो ये जो बैठक हुई है इसमें ये चर्चा की गई कि किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के देश को सहयोग किया जाए, क्योंकि 5G एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ऐसे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बदलना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपके फ़ोन पे वाईफाई नहीं है तो देन यू कैन नॉट यूज़ वाईफाई। तो आपके पास ऐसा फ़ोन होना ज़रूरी है जो वाईफाई के लिए कॉम्पैटिबल हो। तो हमारे पास ऐसी डिवाइसेज भी होनी ज़रूरी हैं जो 5G के लिए कॉम्पैटिबल हों, और अभी मार्केट में ऐसी डिवाइसेज बहुत कम है। दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने पहला फ़ोन बनाया था जो 5G फ़ोन था। अभी तक और मार्केट में फोन आने लगे हैं, अब तो Xiaomi वगैरह ने भी फोन बनाना शुरू कर दिया है जो 5G फोन होंगे। इससे क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत दुरुस्त होगी और ये भी बोला जा रहा है कि आप 1 TB तक की स्पीड इसमें पा सकते हैं। फिलहाल 5G के नुकसान ये है कि वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि अगर ये 5G दुनिया में आता है तो इससे हमारे आसपास इतना ज़्यादा रेडिएशन होगा, इतना हाई पावर इंटरनेट होगा जिससे शरीर में गर्मी या हाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। साथ साथ जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मी हैं, उनको खतरा पहुँचने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो हालांकि अभी इस ट्रेड ऑफ में चलना पड़ेगा कि 5G लें कि नहीं लें। फिलहाल सभी, पूरी दुनिया एक तेज इंटरनेट की तरफ बढ़ रही है तो ऐसे में 5G आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1G नेटवर्क हमने 1980 में देखा था, मैंने नहीं देखा था, मैं नहीं था तब। एंड 2G 1990 के दशक में, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि 1990 में आया था। और 3G 2000 के दशक में और 4G 2010 के दशक में। मुझे तो ऐसा लगता है 2G से सीधे 4G आया, 3G तो चल ही नहीं पाया ज्यादा दिन। फिलहाल वर्तमान में भारत किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हो रहा है और वो अपनी आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से लचीला बना रहा है, इसीलिए अलग अलग संगठन के साथ वो अपनी जो दोस्ती है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में, जैसा कि आप सभी को पता है, नाम से क्लियर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया,
और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपके पांच देश हैं जिन्होंने जून 2006 में, और इन्हें ये भी कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला ये संगठन है, तो जून 2006 में इसका गठन हुआ था। और अभी वर्तमान समय में चेयर पर यानी कि चेयरमैन के तौर पर रशिया काम कर रहा है। 2021 की जितनी भी बैठक होंगी वो सारी की सारी कहां पर होंगी, इंडिया में होंगी, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ब्राजील के बाद रशिया का नंबर आएगा, रशिया के बाद इंडिया का नंबर आएगा। तो 2021 में जितनी भी बैठक ब्रिक्स देशों की होंगी या किसी भी तरह की स्तर की बैठक होगी वो भारत में ही सारी होनी है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का एक बड़ा बैंक है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जैसे ब्रिक्स बैंक के न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी नेशनल निकल रहा है मेरे मुंह से, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोलना कुछ चाहो बोलता कुछ है, क्योंकि आगे वाली चीजें भी याद आ रही होती है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है, और इसके जो वर्तमान समय में हेड है वो मार्कस फ्रोडो ट्राइजो बनाए गए, केवी कामत जो है अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है यहां से। अगली जानकारी की तरफ चले, पुल्लिकली एक नृत्य है जो आपको केरला में देखने को मिलेगा, खासकर ये ओणम त्यौहार के दौरान आपको देखने को मिलता है। इसमें लोग शेर जैसा या टाइगर जैसा पेंट अपने ऊपर करते हैं और फिर डराते हुए डांस करते हैं। फिलहाल ये कल्चरल फेस्टिवल है जो नई फसल के शुरू होने के दौरान मनाया जाता है। तो पुल्लिकली या टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है, और अभी आपको ये देखने को मिलेगा। बिकॉज पुल्लिकली में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले और पीले काले रंग के शेर की आकृति को चित्र कर लेते हैं, फिर ड्रम और म्यूजिक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर यह उत्सव इस बार ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब कि आपको देखना, वीडियो बनाएंगे इसके लोग हैं। दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार पर्व ओणम है। यह सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व भी कहलाता है और इसके मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। यह 10 से 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी दिन इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि आप कभी भी एग्जाम में ऐसा आपको देखने को मिले कि पुल्लिकली नृत्य जो है ये किससे संबंधित है, तो ये केरला से संबंधित है। अब कोई राज्य छिड़ जाता है तो मैं उसके बारे में उसका पोस्टमार्टम किए बिना रहता नहीं हूं। तो आइए, आज आप देख रहे होंगे मैं बार बार नीचे देख रहा हूं, बिकॉज मेरा माइक का जो वायर है वो मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब मुझे पता है कि अगर मैं प्रॉपर अटेंशन आपके साथ बनाऊंगा, आपके कैमरे में लगातार देखूंगा, तो आपको अच्छा लगता है, फिर वो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। अभी आपको लग रहा होगा मेरा ध्यान भटक रहा है, वाकई मेरा ध्यान भटक रहा है कि कहीं मैं गिर ना पड़ूं। चलिए, तो केरला के बारे में बात करते हैं। पिछले 6 महीने के दौरान केरला में क्या क्या हुआ। केरला में के सैलजा का नाम याद रखिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। आप एक काम करो कि किसी भी कॉपी पर अपना जो भी मैंने यहां पे बोर्ड लिखा हुआ है उसको लिखते चले जाना, बस उतना ही लिखना, के सैलजा लिखना, पूरा नहीं लिखा जाता। जैसे के सैलजा आपके दिमाग में आएगा तो आप कनेक्ट करोगे कि के सैलजा के बारे में क्या बताया था। अभी संयुक्त राष्ट्र ने इनको ऑनर किया है कोविड-19 से अच्छी तरह से लड़ने के लिए। ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर है यानी कि स्वास्थ्य मंत्री है। केरला जो है ये अभी पहला राज्य था जिसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया। केरेरा का मतलब है केरला रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी हाल ही में इस नाम से उन्होंने एक नियामक बना दिया है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आ सके, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे के दौरान 2015-20 के दौरान ये पता लगा कि दुनिया में 10 सबसे तेजी से भागने वाले यानी कि शहरीकरण करने वाले जो सिटी है उनमें मल्लापुरम केरला जो है वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि 10 साल पहले वो गांव जैसा था लेकिन आज वो पूरी तरीके से शहरीकरण हो गया है। एन राम, जिन्हें अभी हाल ही में केरला सरकार ने नेशनल मीडिया अवार्ड दिया, ये द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन थे, अभी ये रिटायर हो गए। 22वां एडिशन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये कहां आयोजित किया गया था, ये आपका केरला में आयोजित किया गया था। चूंकि ये सी फूड से संबंधित है तो इसकी थीम भी नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसकी थीम थी ब्लू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। केरला बजट 2020 के दौरान 1000 कुदुमश्री होटल खोलने की बात की गई कि भाई गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनको ₹25 में वहां पे खाना दिया जा रहा है कुदुमश्री होटल में। केरला सीएम ने अभी हाल ही में योधाबू नाम का एक ऐप लॉन्च किया था जो भी ड्रग बेचने वाले लोग हैं उनसे लड़ने के लिए। तो अब आपको क्या याद रखना है, के सैलजा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट केरेरा, कहीं पर छोटा सा केरला लिख लीजिएगा। आपकी जगह मैं होता तो मैंने ऐसे केरला लिखा होता, एक बॉक्स ऐसे बनाया होता और उसके अंदर ये पॉइंट सिर्फ इतने इनके नाम लिखे होते जो मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा, एक पेज पे केरला लिखा, फिर उसी के थोड़ा सा ऊपर उड़ीसा लिख दिया, फिर इस तरह से पूरे पेज के अंदर आपके भारत के 30-35 राज्य हो जाएंगे। 30-35 तो है भी नहीं, सॉरी।
तो जो भी आपके भारत के राज्य, मान लीजिए आपने 10-15 राज्य पढ़ रखे हैं, तो इतने में आपका करंट अफेयर्स बहुत मजबूत हो जाएगा। यकीन मानिए आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप किसी से जब भी बातचीत करोगे, जब भी आपकी कहीं पर कहीं आर्ग्यूमेंट होगा तो आपको पता लगेगा। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है आजकल कुछ भी, मतलब कोई भी आता है और मेरे से बोलता है कि ये ऐसा, हमने कहा नहीं है भाई, जाओ ऐसा थोड़ा ना, ऐसा ऐसा पढ़ा है मैंने। तो ये पढ़ने का पावर बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, तो इसको रखिए अपने पास। सीनियर आईएएस ऑफिसर विश्वास मेहता को अभी हाल ही में न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला अपॉइंट किया गया है। पिनराई विजयन हम सभी जानते हैं, माकपा से आते हैं, ये मुख्यमंत्री हैं वहां पर। आरिफ मोहम्मद खान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं इस साल, गवर्नर है। कैपिटल सिटी यानी कि कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। ग्रेट हॉर्नबिल जो है स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल अगेन फिर हो गया, ये मुझे काटना पड़ेगा, ये मैं भूल जाता हूँ हर रोज। गोल्डन सावर ट्री जो है वो स्टेट फ्लावर है, और कोकोनट जो है वो आपका यहाँ का स्टेट ट्री है यानी नारियल का पेड़। लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें आपको केरला में देखने को मिलेंगी। ये आपका हिंदी स्लाइड रहा, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 सितंबर से नया नदी व्यापार मार्ग शुरू करने पर सहमति बन गई है। ऐसा है कि प्रोटोकॉल तो अभी मई 2020 में ही साइन हो गए थे, अब उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा यानी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, त्रिपुरा में एक जगह है सोनमुरा। सोनमुरा कहां है, त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के सोनमुरा से बांग्लादेश के दाऊदकंडी को जोड़ा जाएगा और 3 सितंबर 2020 को पहला पायलट परिचालन किया जाएगा, यानी वहां से एक स्टीमर या जो भी शिप होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। वाटरवे है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, वाटरवे ट्रेन है ना। ऐसा होता क्या है कि मतलब दो देश आपस में सहमति बना लेते हैं कि भैया हमारा पत्तन तुम इस्तेमाल कर लेना, तुम्हारा पत्तन हम इस्तेमाल कर लेंगे। इससे क्या होगा, मान लीजिए हमारे जहाज में वहां पहुंचने में फ्यूल खत्म हो गया तो हमारे जहाज को वहां पर सुविधा मिल जाएगी। अगर हम दोनों के बीच में इस तरीके को कोई संबंध या नहीं स्थापित किए जाते हैं या प्रोटोकॉल नहीं बनाए जाते हैं तो कोई भी भारत से उठेगा और चला जाएगा त्रिपुरा, सॉरी बांग्लादेश, और कोई भी बांग्लादेश से मुंह उठाएगा यहां चला आएगा। तो ऐसे में नदी तंत्र या जो आपका जल मार्ग होता है उस पर भी चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। चेक पॉइंट में माल कहां चेक होगा, क्या होगा, वो सारे का सारा जैसे एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर पार किया जाता है वो सारे पॉइंट वैसे ही वाटरवे के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से संपर्क बढ़ाने और परिवहन को कम करने के लिए 2 नए मार्ग। अब यहां पे क्या मतलब है इनका कि कह रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से संपर्क बढ़ाने, क्या हमारा संपर्क नहीं है, बिल्कुल बहुत कम संपर्क है। अगर आपको याद हो मैप कुछ ऐसा बनाया अपना, ऊपर चाइना जैसी नेक हमें मिलती है सिक्किम के बगल से पश्चिम बंगाल के लिए, और यही एक छोटा सा एरिया बनता है जो भारत को कनेक्ट करता है पूर्वोत्तर राज्यों से। ऐसे में एक ऑप्शन ये हमारे पास आता है कि ये जो इधर आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, ये आपका पूरा बांग्लादेश आप मान लो, इधर आपका ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट मान लो, तो यहां से यहां अगर हम सीधे डायरेक्टली पहुंच जाए, हमें एक वाटरवे मिल जाए या बांग्लादेश हमें अपने आप से रास्ता दे दे तो हम यहां पर जा सकते हैं। तो बांग्लादेश अपने अंदर से सड़क मार्ग तो हमें दे ही रहा है बट वाटरवे भी हमें मिल गया है जिसकी वजह से हम यहां पर कई पत्तन के जरिए सीधे हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुंच जाते हैं। ये बात है, इनका कहने का मतलब ये है। तो भारत और बांग्लादेश 1972 में अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे और कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 मई 2020 को एक दूसरे परिशिष्ट पर फिर से हस्ताक्षर हुए और इसमें नई बात क्या हो गई है कि पहले कुल मार्ग 10 थे, अब 10 बंदरगाह हो गए और 11 मार्ग हो गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। प्रोटोकॉल पहली बार 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन हुए, बांग्लादेश की आजादी जो थी तुरंत बाद दोनों देशों के बीच ये शुरू हुआ। 2015 में इसका नवीकरण किया गया था लेकिन अभी हाल ही में प्रोटोकॉल फिर से साइन किए गए थे। इसके तहत दोनों देशों में जहाज एक विशिष्ट रूट से एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे, वो एकदम बताया गया कि कौन से रूट से जाएंगे। 2 रूट डिसाइड किए गए हैं, प्रोटोकॉल रूट 1 है ये। प्रोटोकॉल रूट 1 में आप ये देख पाओगे कि ये सिराजगंज से शुरू होता है और मोरंगलिया तक जाता है, तो ये प्रोटोकॉल रूट 1 है। और इधर साइड पे प्रोटोकॉल रूट 2 है। यहां पर जो ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं वो इंडियन पोर्ट्स ऑफ कॉल है और जो आपका पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं वो बांग्लादेश के पोर्ट्स ऑफ कॉल हैं। पोर्ट्स ऑफ कॉल उन बंदरगाहों को कहा जाता है जिन्हें दोनों देश अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। शिप का सर्विस करना है या शिप के बारे में कोई जानकारी देनी है या चेक पॉइंट लगाने, वो सारा का सारा इसके तरीके होगा। तो समझौते में पोर्ट्स ऑफ कॉल की संख्या 10 करिएगा इसे, मार्ग 11 है हमारे पास। भारत की तरफ से 5 नए पोर्ट्स ऑफ कॉल, धुलियन बनाया गया, मारिया बनाया गया, कोलाघाट और सोनमपुरा। सोनमपुरा के बारे में आज हमने बात की है, जोगी गुफा होंगे, जबकि बांग्लादेश की तरफ से 5 नए पोर्ट्स हैं। पोर्ट ऑफ कॉल एक राजशाही है,
एक सुल्तानगंज है, एक चिलमारी है, एक दौदाकंडी है, दौदाकंडी और सोनमपुरा को जोड़ा जा रहा है, बहादुराबाद बांग्लादेश की तरफ से होंगे। यहां पर नेशनल वाटरवे नंबर एक आपको दिखाई दे रहा है, नेशनल वाटरवे नंबर एक अलाहाबाद से सागर 1620 किलोमीटर का लंबा ये है और ये सबसे बड़ा है, इलाहाबाद से लेकर सागर, सागर यहां तक पहुंचेगा। नेशनल वाटरवे नंबर टू जो कि डुबरी से सदिया ब्रह्मपुत्र नदी का है, ये गंगा का वाटरवे है। और नेशनल वे वाटर नंबर 16 ये 121 किलोमीटर का है, वीर गंगा से लाखीपुर, ये छोटा सा वाटरवे है। ये वाला वाटरवे इतना बड़ा है, ये वाला वाटरवे इतना बड़ा है। वाटरवे मतलब कि नदियों को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि उसमें शिप वगैरह चलाई जा सके और जो नदी तंत्र है उसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सके। क्योंकि हमने बांग्लादेश की बात की है तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश है, पड़ोसियों के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इंडिपेंडेंट डे 26 मार्च 1971। नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल बर्ड ओरिएंटल मैगीपी रॉबिन, ये कौवे की प्रजाति की तरह आपको लगेगा, बट इसकी जो गर्दन होती है, हमारे यहाँ जो कौवे पाए जाते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, मतलब कि वो उनका जो गर्दन वाला हिस्सा होता है वो ग्रे कलर का होता है, थोड़ा सा व्हाइटिश होता है, ये ब्लैक होता है पूरा। नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट, कटहल, कटहल को फ्रूट बनते हैं ये लोग, हम भी फ्रूट ही मानेंगे भाई, आप तो सब्जी समझते थे। नेशनल ट्री मैंगो ट्री, यानी कि आम का पेड़ जो है ये यहाँ पे राजकीय वृक्ष है। फेमस फेस्टिवल ईद उल फितर, ईद उल जहा, मुहर्रम। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ पे जातियों सांसद बोला जाता है, बंगाली में बोला जाता है, और हाउस ऑफ नेशन अमार सोनार बांग्ला इनका जो है नेशनल एंथम है। और जोय बांग्ला इन्होंने अभी हाल ही में एक स्लोगन लिया, जैसे हम लोग जय हिंद बोलते हैं ये बोलेंगे जोय बांग्ला। तो नेशनल लैंग्वेज इज अ बंगाली। नंबर ऑफ प्रोविंस, बांग्लादेश में आपको 8 राज्य देखने को मिलेंगे। करेंसी बांग्लादेशी टका है। हाईएस्ट पीक क्योकरा डोंग है, बांदर पान पहाड़ियों में आपको ये देखने को मिलेगी। क्योकरा डोंग जो है ये हाईएस्ट पीक है, यानी सबसे ऊंची चोटी है बांग्लादेश की। लॉन्गेस्ट रिवर सुरमा है, जबकि अगर सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो जमुना बोली जाती है। जमुना ब्रह्मपुत्र और गंगा के मेल के बनती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है, गंगा पहले बात तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, पद्मा के बाद जब वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसको मेघना बोला जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में जाती है उसे जमुना बोलने लगते हैं। तो वैसे भी एक गंगा जमुना का संगम आपको वहां पर दिखाई देता है, लेकिन जब गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो मेघना के नाम से गिरती है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि ये ऐसी भी घटना घटी होगी। रूस ने अभी हाल ही में एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उसने बताया कि 1961 में जिस बम का परीक्षण उसने किया था, अगर वो अपनी पूरी ताकत से परीक्षण करता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। नागासाकी और हिरोशिमा में गिनाए गए लिटिल बॉय और फैटमैन जैसे बम का लगभग 3,333 गुना शक्तिशाली बम रूस ने परीक्षण किया था। रूस तब जब सोवियत संघ हुआ करता था 1961 में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस यानी सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही शीत युद्ध में घिर गए और दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मच गए कि सबसे तगड़ा हथियार कौन बनाता है। ऐसे में रूस ने डेवलप किया था एक जार बम जिसका नाम रखा गया था इवान। ये हाइड्रोजन बम और एटम बम की दोनों टेक्निक से मिलकर बना था, जिसकी वजह से ये दुनिया का सब तक का सबसे शक्तिशाली बम था। और इसका परीक्षण किस तरीके से हुआ, कहां हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसटॉम ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी किया है जिसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट, टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विद ए यील्ड ऑफ 50 मेगाटन। 50 मेगाटन का बम जो जार बम के विस्फोट को दर्शाता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का दावा किया गया है और यह हिरोशिमा हमले में इस्तेमाल किए गए बम के मुकाबले 3,000 गुना ज्यादा विनाशकारी था। वर्ष 1961 में आज से रूस और तत्कालीन सोवियत संघ ने दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली और खतरनाक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इवान नामक इस परमाणु बम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान के हिरोशिमा में गिराए गए अमेरिका के परमाणु बम लिटिल बॉय से यह 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अमेरिका के साथ चल रहे कोल्ड वॉर के दौरान अपनी ताकत दिखाने के लिए रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को बेरेंट सागर में यह परीक्षण किया था। यह करीब 50 मेगाटन का था और 5 करोड़ टन परंपरागत विस्फोटकों के बराबर ताकत से फटा था, यानी कि इतना शक्तिशाली था कि 5 करोड़ बम एक साथ फोड़ दिए जाए। यही वजह है कि इस परमाणु बम को रूसी विमान ने आर्कटिक समुद्र के नोवाया जेमलिया में बर्फ के ऊपर गिराया था और ये आइलैंड पूरी तरीके से असमाप्त हो गया था। उस बम के बाद ये कतई नहीं बचा था। रूस की बात करें तो रूस में आपको पता ही है कि एक ही आदमी पुतिन, व्लादिमीर पुतिन।
राजधानी मॉस्को, वर्तमान समय में आपके जो प्रधानमंत्री हैं रूस के वो दिमित्री मेदवेदेव है, मिखाइल मिशुस्टिन के इस्तीफा देने के बाद करेंसी चलती है रूसी रूबल। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी नॉर्मल सी जानकारी है। 28 अगस्त 2020 को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का सार्वभौमिक पहुंच कराना था। इस योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए और इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा हुए। लगभग 8 करोड़ PMJDY खाताधारक सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें गरीबों को खाता खोलने के लिए बोला गया था, और दूसरी बात यह कि इसमें जो भी खाते हैं वो आधार कार्ड से अटैच हैं, तो उनको जो भी सब्सिडी वगैरह ट्रांसफर करनी होती है वो सीधे यहां पर की जा सकती है। तो अभी तक इसमें 40 करोड़ 45 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी। अगली जानकारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम होगा डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉप। मोबाइल प्रशिक्षण ऐप होगा ये। यह मोबाइल प्रशिक्षण ऐप एनसीसी कैडेटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा, जो कोविड-19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, यानी कि उनका जो ट्रेनिंग था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। इससे एनसीसी भी प्रशिक्षण के स्वचालन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली योजना, सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उड़ान योजना क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, RCS बोला जाता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे अगर आपको कानपुर से लखनऊ जाना है तो भी आप मतलब छोटे छोटे शहरों को आपस में हवाई मार्ग से कनेक्ट करने की ये योजना है, ताकि जो आम आदमी है वो भी हवाई यात्रा का अनुभव ले सके। तो हाल फिलहाल इस स्कीम के तहत अब 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी गई है, और इस तरीके से अब 766 मार्ग जो हैं वो टोटल, यानी कि 766 एयर रूट ऐसे हैं जो भारत में RCS उड़ान योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 15 जून 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगली जानकारी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है। पहला इंक्यूबेशन सेंटर वो बनाने जा रहे हैं, यानी कि यहां पर कुछ छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो प्रोफेसर वगैरह होंगे वो उनकी मदद करेंगे किस तरीके से अंतरिक्ष समस्याओं का समाधान किया जा सके, उसमें ये यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया गया है। और ऐसा करने वाला ये जो वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट है, ये उड़ीसा का इंस्टीट्यूट है, बुरला एक जगह है उड़ीसा में, वहां पे ये सिचुएटेड है, और ये देश के सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक माना जाता है, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है, एडमिशन बहुत आसानी से नहीं मिलता। तो हाल फिलहाल इसके साथ हाथ मिला लिया है, और ये पहला यूनिवर्सिटी है जिसने इसरो के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। तो इसरो VSSUT हाई एंड सिमुलेशन उपकरण, स्टैटिक परीक्षा सुविधा और ठोस प्रवर्धन अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी लघु परीक्षण सुविधाएं विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे, और स्केल डाउन मॉडल के लिए परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करेंगे। इसरो वीसूट के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तकनीकी परामर्श सहायता और 50 लाख रुपए वित्तीय सहायता देगा। इसरो को थुम्बा, श्रीहरिकोटा और बालासोर जैसी जो भी इसरो के जो DRDO के विकास संगठन है के तहत रॉकेट लॉन्चिंग सुविधाओं के सीमित उपयोगों में भी आसानी होगी। एक तरह से ये यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां पर उनको साथ साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब बारी है न्यूज फटाफट की। प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा है। उनको पेट की किसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 65 साल के शिंजो अबे ने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्हें 17 और 24 अगस्त को अस्पताल जाना पड़ा था। और ब्रायन ब्रदर्स टेनिस इतिहास के सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइकल ब्रॉन एंड बॉब ब्रॉन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इस भाइयों की जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड पर कब्जा जमाया है, जिसमें सभी 4 ग्रैंड स्लैम, सभी 9 ATP मास्टर के साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल है। तो अभी हाल ही में किसने संन्यास की घोषणा की है? माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। RCS उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है? 78, और अब टोटल कितने मार्ग काम पे लग गए हैं? 766। जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस देश द्वारा विकसित किया गया था? रूस द्वारा। और इस बम का नाम क्या था? इस बम का नाम था इवान। कौन सा ऐप डिजिटल सीखने में एनसीसी कैडेटों की मदद करने के लिए कोविड-19 द्वारा प्रत्यक्ष शारीरिक संबंधों पर आधारित, शारीरिक संबंध मतलब ये थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ है, हिंदी गलत है ये,
मतलब कि फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो DGNCC यानी कि डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। भारत 3 सितंबर 2020 को किस राष्ट्र के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा, बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा से दंडाकोंडी तक। एंड मोबाइल नेटवर्क की पूर्व पीढ़ी 1G किस देश के दौरान आई थी, 1G 1980 के दौरान आई थी और अभी हम 5G लेकर आने वाले हैं। इसरो के साथ अंतरिक्ष नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है, उड़ीसा में। किसने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट फॉर इवनिंग कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए पुरस्कार जीता है, तो वो है मैरी के लुकास रेजनवेल्ट। कहां की रहने वाली है, नीदरलैंड की रहने वाली है। फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन है, फ्लोरेंस पहली। अभी आएंगे, राफेल का उद्घाटन करेंगे। पुलिकली या टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले किस उत्सव का हिस्सा है, ओणम। और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 6 वर्ष पूरे हो गए। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास की घोषणा कर दी है, किस किस खेल से संबंधित है, वो टेनिस से संबंधित है। अब बारी आज के क्विज की, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप डिजिटल सीखने के लिए, इसको इंग्लिश में ही पढ़िए ज्यादा बढ़िया है, तो देन द राइट आंसर इज फिजिकल इंटरेक्शन के लिए, तो ये ऐप जो है वो DGNCC है, अभी हमारे रक्षा मंत्री ने इसे लॉन्च किया। भारत 3 सितंबर 2020 को किस राष्ट्र के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा, तो बांग्लादेश के साथ खोलने वाले हैं हम। मोबाइल नेटवर्क की एक पूर्व पीढ़ी 1G कस टाइम आई थी, ये 1980 के दशक में आपको देखने को मिली थी। और इसरो के साथ अंतरिक्ष नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और RCS उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है, 78 नए मार्ग बताए गए हैं। टोटल अब कितने हो गए हैं उड़ान के अंदर, 766 एयर रूट पॉसिबल है। ज़ारबम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित किया गया था, यह रशिया द्वारा विकसित किया गया था और अक्टूबर 1961 में इसको बैरेंट सागर में उन्होंने फोड़ा था। किसने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो उनका नाम है मैरी के लुकास रेजनवेल्ट। और फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन है जो अभी आने वाले हैं, उनका नाम है फ्लोरेंस पैरली। पुलिकली या टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में किस उत्सव के दौरान नृत्य किया जाता है, तो यह है ओणम। और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं, 6 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है, वो टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू सो मच।